स्टार्ट करेंगे सेविंग अ अ प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन, टू सेव फॉलो दिस स्टेप्स। फर्स्ट क्लिक द सेव बटन ऑन द एक्सेस टूल बार फिगर फाइव पॉइंट ट्वेंटी देखिए क्विक एक्सेस टूल बार में आपको सेव बटन दिख रहा है और या फिर और प्रेस कंट्रोल प्लस ए, एस या फिर आप कीबोर्ड में सेव कंट्रोल प्लस एस की करेंगे तो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा और क्लिक द फाइल टैब एंड सिलेक्ट सेव एस उसके बाद या फिर तीसरे तरीके के कर सकते हैं तो अब फाइल टैब में जाके सेवेज बटन पर क्लिक करेंगे तो भी आपका डॉक्यूमेंट है वो सेव हो जाएगा सेव सेवेज पेन अपीयर फिगर फाइव पॉइंट ट्वेंटी सेवन में आपको दिख रहा है कि वो सेवेज पेन है सिलेक्ट द कंप्यूटर एंड देन क्लिक ब्राउज आप कंप्यूटर पर सिलेक्ट करेंगे उसके बाद ब्राउज करेंगे द सेवेस डायलॉग बॉक्स विल अपीयर सिलेक्ट द लोकेशन वेर यू वॉन्ट टू सेव द प्रेजेंटेशन देखिए फिगर फाइव पॉइंट ट्वेंटी एट में आपको दिख रहा है कि सेविस का डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा उसमें जिस लोकेशन पे आप अपनी फाइल को सेव करना चाहते हैं वो कर सकते हैं वो लोकेशन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा फिफ्थ टाइप अ फाइल नेम फॉर द प्रेजेंटेशन इन द फाइल नेम बॉक्स एंड क्लिक सेव उसके बाद जो फाइल नेम बॉक्स है उसमें आपका जो फाइल रक, फाइल नेम रखना चाहते हैं वो रख वो रख के उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करेंगे बाय डिफॉल्ट द फाइल्स आर सेव्ड विथ अ डॉट पी पी टी एक्स डिफॉल्ट वो फाइल है वो आपकी डॉट पी पी टी एक्स यानी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन है वो, आप, वो आपकी फाइल में है वो आ जाएगा इफ़ यू आर सेविंग द प्रेजेंटेशन फॉर द फर्स्ट टाइम यू कैन ऑल्सो सिलेक्ट द सेव ऑप्शन जब आप फर्स्ट टाइम प्रजेंटेशन को सेव करते हैं तो आपको सेव बटन पर ऑप्शन पे क्लिक करना पड़ेगा ऑन डूइंग दिस द सेव एज डायलॉग बॉक्स इज डिस्प्ले उसके बाद सेव एज डायलॉग बुक्स से वो आपको दिखाई देगा द नेक्स्ट टाइम ऑन वर्ड्स द सेव ऑप्शन डज नॉट डिस्प्ले एनी डायलॉग बुक्स नेक्स्ट टाइम जब आप वही फाइल को सिलेक्ट सेव करेंगे तो वो आपको कोई भी डायलॉग बॉक्स है वो आपको नहीं दिखाई देगा द नेक्स्ट टाइम सॉरी इट सेव्स द चेंजेस इन द सेम फाइल आप उसमें सेम फाइल में आप चेंजेस भी कर सकते हैं सेव करके हाव एवर द सेवेज ऑप्शन ऑलवेज डिस्प्ले अ डायलॉग बॉक्स Uh, कई बार सेवेज ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो उसका डायलॉग उसे वो आपको दिखाई देगा विच मे बी यूज टू सेव अ प्रेजेंटेशन बाय अ डिफरेंट नेम आप uh, डिफ, प्रेजेंटेशन को अलग अलग नाम से भी आप सेव कर सकते हैं बाय डिफॉल्ट अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इज सेव्ड एज ए डॉट पी पी टी एक्स बाई डिफॉल्ट जो प्रेजेंटेशन है वो डॉट पी पी टी एक्स एक्सटेंशन से सेव होता है हाव एवर यू कैन सेव द फाइल एज अनदर फाइल टाइप सच एज ए पी डी एफ और ए पावर पॉइंट नाइनटीन नाइन्टी सेवन टू टू थाउजेंड थर्टीन फाइल बाई सिलेक्टिंग अ डिजायर टाइप इन द सेवेज टाइप ड्रॉप डाउन बॉक्स आप कोई अलग तरीके से इस फाइल को सेव करना चाहते हैं जैसे कि आप पीडीएफ फाइल सेव करना चाहते हैं या फिर जो पावर पॉइंट नाइन्टी सेवन तक से लेके 2003 तक की जो उसकी टाइप है वो आप इस तरह से सेव करना चाहते हैं तो आपको सेव के टाइप में सेवेज टाइप डायल ड्रॉप डाउन बॉक्स में सिलेक्ट करना पड़ेगा अब देखिए क्लोजिंग अ प्रेजेंटेशन टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन फॉलो दिस स्टेप्स क्लिक द फाइल टैप द बैक स्टेज व्यू अपीयर बैक स्टेज व्यू में आपको फाइल टैप पे क्लिक करना पड़ेगा सेकेंड क्लिक द क्लोज इन द लेफ्ट पेन लेफ्ट पेन में आपको क्लोज बटन पर क्लिक करना पड़ेगा थर्ड इफ द प्रेजेंटेशन हैज़ नॉट बीन सेव्ड एज अ मैसेज बॉक्स विल बी डिस्प्ले आस्किंग यू टू सेव द चेंज यू यू हैव मेड फाइव पॉइंट ट्वेंटी नाइन में आपको एक मैसेज बॉक्स दिख रहा है जब आप प्रेजेंटेशन को क्लोज करते हैं तभी आपने सेव नहीं किया होगा तो वो आपको एक मैसेज बॉक्स है वो आपको शो करेगा उसमें आप चेंज करना चाहते हैं सेव करके उसमें आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं क्लिक सेव इफ़ यू वांट टू सेव द चेंजेस आप सेव करते वक्त उसमें कोई चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं क्लिक डोंट सेव इफ़ यू डू नॉट वांट टू सेव चेंजेस आप उसमें कोई चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप डोंट सेव बटन पे भी क्लिक कर सकते हैं और क्लिक कैंसिल इफ़ यू वांट टू रिटर्न द प्रेजेंटेशन आपको प्रेजेंटेशन में वापस लौटना है तो आपको कैंसिल बटन पे क्लिक करेंगे तो आप वापस वहीं पे आ जाएंगे अब देखिए ओपनिंग एंड एक्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। टू ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन फॉलो दिस स्टेप्स फर्स्ट क्लिक द फाइल टैब द बैक स्टेज व्यू अपीयर्स फाइल बैक स्टेज जो फाइल टैब है वहाँ पे क्लिक कर, करना पड़ेगा क्लिक द ओपन इन द लेफ्ट पेन लेफ़्ट पेन में आपको ओपन पे क्लिक करना पड़ेगा इट डिस्प्लेस ऑल द रिसेंट प्रेजेंटेशन इन द राइट पेन राइट पेन में जो भी रिसेंटली आपने वर्क किया है वो वही फाइल आपको राइट साइड पर दिखाई देगी देखिए फिगर फाइव पॉइंट थर्टीन में आपको ये ओपन पेन है यानी कि ओपन डायलॉग बॉक्स है वो इस तरह के आपको दिखाई देगा थर्ड सिलेक्ट कंप्यूटर एंड देन क्लिक ब्राउज आपको कंप्यूटर पे क्लिक करके ब्राउज बटन पे क्लिक करना पड़ेगा तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर उसके बाद ओपन का जो डायलॉग बॉक्स है वो आपको दिखाई देगा सिलेक्ट द रिक्वायर ड्राइव फोल्डर एंड फाइल उसके बाद आपने जहाँ पे सेव किया जिस ड्राइव में जिस फोल्डर में जिस फाइल को सेव किया है वो ओपन वो सिलेक्ट करके ओपन कर सकते हैं इसके बाद क्लिक ओपन उसके बाद ओपन ओके बटन ओपन बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा